पांडवों के समय काल में बने नैमिषारण्य स्थित हनुमानगढ़ी का रहस्य आइए आपको बताते हैं। इस हनुमानगढ़ी का रहस्य और इतिहास, आपने बहुत सारे प्राचीन मंदिरों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक खास रिपोर्ट के जरिए ऐतिहासिक हनुमान मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि यह मंदिर कई सौ वर्ष पुराना है, तो चलिए आपको ले चलते हैं नैमिष की तपोभूमि में, जो कि सीतापुर जिले के मिश्रक में स्थित है। आपको बताते हैं कि पांडवों के समय काल में बने हनुमानगढ़ी का रहस्य व इतिहास। नमस्कार, मैं गौरव वाजपेयी, स्टार न्यूज़ भारत से। यहाँ पर हनुमानगढ़ी नैमिषारण्य में आए हुए हैं और यहाँ की विषय में बहुत सारी पौराणिक मान्यताएँ विद्यमान है, तो हम जानेंगे यहाँ के ही पुजारी जी से। आपका शुभ नाम क्या है? बबलू शास्त्री। बबलू शास्त्री जी, आप हम कुछ यहाँ के विषय में बताएं कि बहुत सारे भक्तगण आते हैं, सब चीज़ें हैं, तो मान्यता के विषय में थोड़ा सा बताएं। जी जी, ये द्वापर और त्रेता की प्रतिमा बताई गई है। श्री हनुमान जी महाराज जी जब राम और लक्ष्मण को अहिरावण चुरा ले गया था पातालपुरी में बलि देने के लिए युद्ध के समय, तब हनुमान जी महाराज गए हैं, उसका वध किया। वध करने के पश्चात यहाँ पे प्रागट्य हुए, कुछ क्षणों के लिए विश्राम किया है, फिर लंका चले गए हैं। लंका यहाँ से दक्षिण की दिशा में है, दक्षिणेश्वर नाम से पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। इनकी विशेषता है जिस व्यक्ति के ऊपर शनि राहु केतु ग्रह जबरिष्ठ होते हैं तो इनका हर शनिवार और मंगलवार को श्रृंगार पूजन होता है। कुछ भक्त भंडारा कराना चाहते हैं, अन्नदान कराना चाहते हैं, अन्नदान भी होता है, और बाबा का श्रृंगार तो है ही है, वो तो होता ही है। और जिनके ऊपर शनि राहु के तो ग्रह जबरिष्ठ हो जाते हैं तो वो शनिवार मंगलवार को श्रृंगार पूजन कराते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है, ये त्रेता काल की है, द्वापर त्रेता की बताई गई है। और दूसरी बात है पांडवकालीन प्रतिमा। पांडवकालीन जब पांडवों ने कौरवों का वध कर दिया था तो उनको पाप लग गया था, तो मोक्ष पाने के लिए इसी जगह हनुमानगढ़ी पे ही उन्होंने 12 वर्ष तपस्या किया, सोमवती अमावस्या पड़ जाए जिसमें स्नान करके मोक्ष प्राप्त कर लें, तो नहीं पड़ी, तो उन्होंने श्राप दे करके केदारनाथ चले गए पहाड़ी पे। कलिकाल में प्रतिवर्ष एक या दो बार पड़ोगे जिसमें नाना प्रकार की जातियां स्नान करके मोक्ष प्राप्त करेगी, तभी से इसका नाम हनुमानगढ़ी पांच पांडव किला पड़ गया। ये सबसे बड़ी विशेषता है हनुमान जी महाराज की। अच्छा, आप यहाँ पर कब से सेवा में हैं और कब से ये मंदिर प्रांगण कितने बजे खुलने का या बंद होने का क्या समय वगैरह है यहाँ का? हम तो बहुत प्राचीन हैं, लगभग 25 वर्ष हो गया है, और यहाँ खुलने का समय 6 से 7 बजे तक खुल जाता है प्रातः, और रात्रि 8 से 9 बजे तक बंद हो जाता है। और यहाँ तो भक्त, हमने सुना है कि लोग बाहर से बहुत सारे आते हैं, तो उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे भक्त तो नाना प्रकार हर प्रांत से आया करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सतयुग का तीर्थ है। सतयुग नैमिषारण्य त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्र कलुगंगा, ये सतयुग का प्रथम तीर्थ नैमिषारण्य है। ये नैमिषारण्य नाभि गया भी है, प्रथम तीर्थ भी माना गया है, और यहाँ पे अति पुनीत साधक सिद्धार्थ बोलते हैं, सबसे पुनीत तीर्थ नैमिषारण्य माना गया है। इस कारण यहाँ पे देश विदेश हर प्रांत से लोग यहाँ पे श्रीमद् भागवत का उद्गम हुआ है, इस कारण यहाँ पे श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आते हैं 8वें वैकुंठ में। दूसरी बात है सत्यनारायण कथा का भी यहाँ पे प्रारंभ हुआ है, इसे सत्यनारायण कथा सुनने के भी रूप में आया करते हैं, इसलिए यहाँ से देश विदेश से यहाँ 50,000 श्रोता वक्ता यहाँ पे प्रतिदिन आया करते हैं। श्रीमद् भागवत कथाएं यहाँ पे अनवरत चला करती हैं, सत्यनारायण श्रीमद् भागवत कथाओं का यहाँ पे विशेष महत्व रहता है, इसलिए यहाँ से देश विदेश आया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पौराणिक है दो मान्यताओं के विषय में जानकारी देने के लिए। अब हम लोग यहाँ पर आए हुए कुछ भक्तगण हैं जिनसे है तो जानेंगे। आप सर यहाँ कहाँ से आए हुए हैं? हम बिश्वा से। बिश्वा से जी। और यहाँ के विषय में कहते हैं कि आप किस उद्देश्य से आए हैं? आप हम उद्देश्य क्या दर्शन करने आए हैं। अच्छा। हाँ। और बाकी पूरे परिवार के साथ? हाँ, पूरे परिवार के साथ।